शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और चले आए हो बस यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर। जहांगीर ने कहा हर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक अशरफ दूंगा। तो करा दो ना इसकी शादी, नहीं तो क्या इसे भी। ठुमरी है बेटा, इसे क्लासिकल संगीत कहते हैं। इसमें इतना क्लासिकल होने की क्या बात है, सिर्फ 10 नंबर ही तो ऊपर हैं। मारिए भी ना। 5353। बंद करो ये तेल मालिश, डिस्टर्ब करता है यार। इसे पॉप म्यूजिक कहते हैं अंकल, इस पे तो डांस करना चाहिए। इसे डांस कहते हो? लगता है तौलिए से पीठ पहुंच रहे हो। देखो अंकल, अगर आप गेम हार गए तो ग्लोब ले चलोगे और ताज में खाना खिलाओगे। जरूर। 57, 53। और अगर मैं जीत गया तो आरती के डांस पे ले चलोगे? क्या अंकल फिर भाई था। हे भगवान, अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ, नहाने का पानी रख दिया है, ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं रखूंगी। आप लोग हीटर तो बनवाते नहीं हैं। हीटर नहीं चाची, उसको गीजर कहते हैं, गीजर। अरे गीजर कहो या मीटर कहो, एक ही बात है, तीसरी बार पानी नहीं गर्म करूंगी। चलो बेटा जल्दी नहा। चाची बस 5 मिनट। चलो अंकल जल्दी गेम खत्म करें। आओ। क्या 5 मिनट? 5 मिनट शी मींस बिजनेस दिस टाइम यार। चाची के दोबारा आने तक की लिमिट है। आपने शादी की होती तो उस रामदासी की बातें क्यों सुननी पड़ती? नौकरानी होते हुए घर में ये धौंस है, घर में बीवी होती तो सोचो क्या हाल होता। हाल तो आपका होता, मेरी तो आंटी होती। 6157। ओ नो। आपको कादू मिलने आया। उनसे कह देना अपनी पेंटिंग्स लेके ऑफिस में मिलना मुझे। कौन है ये? एक आर्टिस्ट है, जरूरतमंद है बेचारा। 9:30 बज गए हैं, 10 बजे दफ्तर पहुंचना है या नहीं आप लोगों को? मैं नाश्ता लगा रही हूँ, नहाना है तो आके नहा लो। यू लॉस्ट द बेट, संभालिए। फिर शुरू हो गए। सुन लो यार, क्लासिकल म्यूजिक है, तुम भी सीख लो। अंकल ऑफिस जा रहे हैं ना? हाँ? तो इसी में आ जाइए, पांडे गाड़ी ले आएगा। नहीं यार, तुम बहुत तेज चलाते हो, मुझे डर लगता है। तेज और स्पीड में, उस जैसी मर्सिडीज लेकर दीजिए, फिर स्पीड दिखाता हूँ। आइए। देखो अगर 40 से ज्यादा तेज चलाए ना तो यही फियाट रहेगी, मर्सिडीज ला के नहीं दूंगा। आपसे मिलने कोई पेंटर आया और मैंने उसे अंदर बैठा लिया। आ,
अंकल अंदर आ जाओ, पेंटिंग से देख लो। अंकल जब आप मदद करना ही चाहते हैं उस आर्टिस्ट की तो खरीद ही लीजिए, मेरी राय लेने की क्या जरूरत है। तो आप सही, अगर टू पेंटिंग्स एंड आई वांट टू बाय ओनली वन। अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल स्टिल लाइफ, मुझे तो ये नूर अच्छा लगा। अब बैठ जाइए। शुक्रिया। इंदर, वो तुम्हारे केले खरीद लिए मैंने। केले? हाँ सर, इसे कहाँ रखूं? गाड़ी में रखिए। That bloody still life of yours. अच्छा, मैं सेठ राजाराम की जमीन देखने जा रहा हूँ, अगले महीने तक ग्राउंड प्लान देना होगा उन्हें, और तुम मुझे 6 बजे विद्या हॉल पे मिलोगे। विद्या हॉल? भूलो मत बेटा, शर्त आ रहे हो, सुबह सुबह आरती सन्याल का डांस प्रोग्राम है उधर। आर यू सीरियस अबाउट इट? सीरियस इज अ हार्ट अटैक। अंकल कहीं इश्क विश्क के चक्कर तो नहीं? अगर हो भी तो तुम क्या कर लोगे? नहीं, बात यह है कि मैंने आरती सन्याल के पोस्टर्स देखे हैं। तो आपसे बहुत छोटी लगती है ना। शरत, पहली दफे रोमांस हुआ तो तुम्हारे बाप ने कहा लड़की बड़ी लग रही है और खुद शादी कर ली, और अब रोमांस होने से पहले ही बेटा वार्निंग दे रहा है कि लड़की छोटी लग रही है। तुम बाप बेटे के सहारे तो कुंवारा रह गया मैं। ओके, सी यू एट 6 o'clock। विद्या हॉल। दिर दिर दान तुम दिर दिर दान तदी अन दिर तदी यान सरे
अपनी ट्रेडिशन के बगैर मॉडर्न होने का कोई मतलब नहीं है राजा राम जी, और आंगन हमारी ट्रेडिशन है। लव्ज आंगन हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है सोचिए। बेटी ब्याही तो हम कहते हैं बेटी को आंगन के पार उतार दिया, बच्चा हुआ तो कहते हैं आंगन में चराग जला है। हमारे आजकल के आर्किटेक्चर में कहां है वो क्लासिकल आंगन? जो चीज सोच के सुन के अच्छी लगती है वो अगर अपने घर में हो। हेलो, देखिए मैंने आपसे कभी पूछा है बिल्डिंग का नक्शा कैसे बनाया जाता है, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं उसका इलाज कैसे होगा? इंदर का आराम करना या उससे आराम करवाना आपका काम है, मेरा नहीं है। हाँ, तो मैं कहाँ था? आंगन में। हाँ, तो ये रहा आंगन, यहां से सीढ़ियां खबगा की तरफ जाती हैं। किस तरफ? बेडरूम की तरफ। ओ घबराइए नहीं, किसी गलत जगह लेकर नहीं जाऊंगा मैं आपको।
तो आखिर ये आप ही का तो घर है। हाँ तो चलिए इन सीढ़ियों पे। हेलो, लुक डॉक्टर, अगर तुम नहीं संभाल सकते तो चाची से कहो, वो संभाल लेगी, और अगर वो भी नहीं संभाल सकती तो क्लोरोफॉर्म सुंघा दो और खुद सूंघ लो, लेकिन मुझे अपनी सीढ़ियां चढ़ने दो। हाँ तो किस सीढ़ी पे थे हम? ये रही। हाँ तो ये सीढ़ियां। मांडू में बाज बहादुर का गूंज महल देखा है आपने? बिल्कुल वही स्टाइल होना चाहिए। ख्वाबगाह की तरफ, मतलब बेडरूम की तरफ जाते हुए यू मस्ट फील किंगली। बिल्कुल ऐसे महसूस होना चाहिए जैसे आप अपनी सल्तनत में दाखिल हो रहे हैं। और ये जो क्लासिकल पैटर्न है आपके मकान का। हेलो डॉक्टर, उसे छोड़ दो और ऑफिस में भेज दो। हाँ हाँ, मैं उसे कहीं बाहर भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, वरना यही बंबई में उधम मचाता रहेगा। अब कैसा है इंद्रजीत? भगवान का शुक्र है बच गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था। मुझे तो डर था उसके दिमाग पे असर ना हो। एक हफ्ते तक बेहोश जो था, अनकॉन्शियस फॉर 7 डेज। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वो अमजद का एक्सीडेंट हुआ था, सुना था आपने? जी। दिस वॉज इवन वर्स देन दैट। 5-6 महीने तो हो गए होंगे एक्सीडेंट को। 6 महीने से ऊपर हो गए। यस डॉक्टर, व्हाट इज इट नाउ? अरे गाड़ी क्यों चलाने दी उसे? अच्छा अच्छा, कितनी देर हुई निकले? 10 मिनट। ठीक है, अगर 5 मिनट में यहां पहुंच गया तो समझूंगा कि वैसे का वैसा ही है जैसे एक्सीडेंट से पहले था। पर आप उसे गाड़ी चलाने क्यों देते? कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? You see, I don't want him to have any complex. Accident होना था? Okay. अब वो normally रहे तो अच्छा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं कमिंग अंकल। तू तो ज्यादा ही normal हो गया यार, 5 मिनट भी नहीं पूरे होने दिए। उस डॉक्टर ने लेटा लेटा कर बोर कर दिया। नमस्ते राजान जी। नमस्ते। डिजाइन देखा आपने? हाँ, अंग्रेजी में तो देखा था, अब उर्दू में महसूस कर रहा हूँ। मैं नकल के हक में नहीं हूँ इंद्र, लेकिन किसी भी खूबसूरत चीज को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसी लोकेल है राजा राम जी के घर की, तो खास तौर पे जिस तरह का रहन सहन पसंद है इन्हें, मेरा ख्याल है मांडू सिटी का स्टाइल कहीं कहीं छिड़क दे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो एक गेट है, गेट को मांडू के बुर्जी दरवाजे का स्टाइल लगा दे, और ये सीढ़ियां। मांडू मैंने देखा नहीं अंकल। तो देख के आओ यार, आपके यहाँ मांडू की कोई किताब तो होगी, वही देख लूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद योर जनरेशन, सारे का सारा पड़ा हुआ है, महसूस किया हुआ कुछ नहीं है। अरे यार, तुम एक दफे मांडू देख के आओ, तुम्हारा पूरा रवैया बदल जाएगा, आई मीन एटीट्यूड। तुम 2 दिन के लिए मांडू जाके आओ, एंड प्रॉमिस यू विल गो इन योर न्यू मर्सिडीज। यू मीन इट? ऑफ कोर्स, इट्स अ प्रॉमिस। Thank you.
थैंक यू। यू आर वेलकम। आप राइटर हैं? नहीं, किसी और का लिखा हुआ है। क्या है ये, नॉवल है? ए सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल। सुनिए, आपकी ये रह गई थी, क्या कहते हैं इसे, गुलछड़ी? गुलछड़ी नहीं, परांदी। थैंक यू अगेन। यू वेलकम अगेन। मुर्गी मिलेगी? मिलती है भाई, यहां से दो चार मील नीचे की तरफ चले जाओगे ना तो कहीं जाके मिलेगी एक मुर्गी। एक मुर्गी? दो भी मिल जाए, लेकिन पकाओगे कैसे? दो मील और आगे चले जाओगे तो मसाला मिलेगा। आप इस गेस्ट हाउस में कुछ रखते नहीं? गेस्ट हाउस नहीं, रेस्ट हाउस। हाँ हाँ, वही मेरा मतलब है कि आप लोग इस गेस्ट हाउस में कुछ रखते नहीं है, इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। जो भी बचा कर रखते हैं वही इतिहास बन जाता है यहाँ तो। हमको तो लगता है हम भी बाज बहादुर के जमाने से यहाँ बैठे हैं। जी हाँ, वो तो लगता ही है। कुश बाबू, यहाँ से बंबई टेलीफोन किया जा सकता है? फोन? हाँ। किया क्यों नहीं जा सकता? सरकार ने इंतजाम तो सारे किए हैं, लेकिन बंबई तक पहुँचा कि नहीं। खैर, आप नंबर दे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। लीजिए। हाँ जी, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ। जी। हेलो। हेलो, यहीं रह रही हैं आप? हाँ। एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं तो कहिए। आपका चेहरा काफी पहचाना सा लगता है, वो मशहूर डांसर आरती सन्याल है ना, उनसे काफी मिलता है आपका चेहरा। अच्छा। मैं आरती सन्याल हूँ। अरे देखा, तब से ये बात डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। दरअसल मेरे अंकल आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। आज से 6 महीने पहले वो विद्यालय में प्रोग्राम हुआ था ना आपका, वो प्रोग्राम मैं देखने जा रहा था कि। आरती, यहाँ तो टेलीफोन मिलना बहुत मुश्किल है बेटी, पता नहीं कब मिले। मेरा ख्याल है पोस्ट ऑफिस चलकर एक तार दे देता हूँ तेरी माँ को। ठीक है दादाजी। दादाजी आप हैं? इंदरजीत, मैं भी बम्बई से आया हूँ, आरती जी को पहचान कर चला इनसे मिलने। अच्छा अच्छा, डांस देखा होगा इसका? जी नहीं, एक मौका मिला था देखने का लेकिन देख नहीं सका, सिर्फ पोस्टर से देख कर आ गया। अरे बेटा, इस लड़की का डांस देखा होता तुमने तो तुम समझते। आइंदा मौका मिलेगा तो जरूर देखूंगा। अरे अब तो छोड़ ही दिया इसने, नहीं तो। छोड़ दिया मतलब? क्या बताऊं तुम्हें, ऐसी एक घटना हो गई थी। चलिए ना दादू जी, पता नहीं अभी तक यहाँ पोस्ट ऑफिस भी खुला है कि नहीं। चलो बेटा चलो। अच्छा, क्या है, कौन हो तुम? क्या चाहिए? गाइड चाहिए साहब, मैं यहाँ का गाइड हूँ। अंदर आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। हिल क्यों रहे हो? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अन्नालाल, मैं यहाँ का बहुत पुराना गाइड हूँ। अच्छा, क्या क्या जानते हो इस जगह के बारे में? सभी जानता हूँ, बाज बहादुर के यहाँ आने से लेकर आपके आने तक सब कुछ। कौन कौन सी जगह है यहाँ देखने के काबिल? सुबह चलिए ना, सब सब कुछ दिखा लाऊंगा। जहाँ जहाँ भाई साहब ने पांव रखा है वहाँ वहाँ के इतिहास हमें मालूम है। भाई साहब? ये भाई साहब कौन है? भाई साहब? हाँ भाई साहब मतलब बाज बहादुर। क्या है कि साहब, बाज बहादुर मुझे बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसे लगते हैं। सुबह चलिए ना, सब कुछ दिखा लाऊंगा। अशरफी महल, दर्शन महल, जहाज महल, गूंज महल। अगले जमाने में यहाँ दाई रहा करती थी, उसे जो पूछो सही जवाब देती थी, आज भी देती है। दाई माँ एक बात बताओ, 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 बताओ। हमारे जो साहब है ये बुरे हैं या अच्छे हैं? अच्छे। देखा साहब कितना सही सही जवाब मिलता है। ये गाय अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब दाई माँ मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ? आगे चलिए। आइए साहब,
साहब आपको मालूम है ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ भाई साहब रानी रूपमती का नाच देखा करती थी। रूपमती नाचा कहाँ करती थी, वो तो गाया करती थी। बात एक ही है, नाचती थी या गाती थी। यहाँ भाई साहब का दरबार लगता था और वो उसमें गाना गाया करती थी। देखो अन्नालाल, रूपमती बाज बहादुर की बीवी थी ना, दरबार में क्यों गाएगी? साहब आप बहुत सवाल करते हैं, हिस्ट्री में क्या है, सवाल नहीं क्या करते। आगे चलिए। बाहर के दिनों में जब रानी रूपमती फूलों का श्रृंगार करके यहाँ आती थी तो भाई साहब का दिल बाग बाग हो जाता था, इसलिए उन्होंने लिखवा दिया, दर हल्काया गुलो मोल खुशमंदोस्त बुलबुल। मतलब बुलबुल जब यहाँ आती थी बाग में बाहर आ जाती थी। आगे चलिए। हे नलाल, क्यों इधर आ? वो बुलबुल वाला शेर कहाँ लिखा? ये दर हल्का। आपको फारसी आती है? आती है। आती है तो यहाँ नहीं, कहीं और होगा। आगे चलिए। क्या लिखा है यहाँ? वो आप। नमस्ते दादाजी। किधर हो बेटा? ये फारसी में क्या लिखा है? मुझे तो फारसी नहीं आती। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो गाय थे। वो तो मैं यूं ही कह रहा था क्योंकि मैं जानता था उसे भी फारसी नहीं आती, यूं ही फेंक रहा। तुझे तो मालूम होगा। देखिए फारसी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मेरा ख्याल है आदम खान की फतेह के बाद अकबर जब यहाँ आया था तो उसी की तारीखें यहाँ लिखवाई गई थी। देखा। वैसे ये वो जगह है जहाँ रूपमती नर्मदा के दर्शन करने आया करती थी। वहाँ ऊपर से देखें तो दूर नर्मदा नजर आएगी आपको। आप बहुत कुछ जानती हैं इस जगह के बारे में। अरे ये तो यहाँ के दरवाजे खिड़कियों की हिस्ट्री बता सकती है तुम। यही तो रानी रूपमती थी उस जन्म में, और चंदन बाज बहादुर। चंदन कौन? चलिए दादू जी। थैंक यू। और तो सब ठीक है भाई, लेकिन इस लड़की ने मुझ बुड्ढे को चला चला के ठगा पाया। लो अब ये सीढ़ियां मैं नहीं चढ़ सकता भाई। तो फिर आप यहाँ ठहरिए, हम जाते हैं। ठीक है। देखो भैया नालाल, हमें तो असली गाइड मिल गई है। आप बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें चाय रखिए, दादू जी को लगा चाय पिलाओ। चलिए चलिए। वो नर्मदा देख रहे हैं आप? रूपमती राजा निहाल की बेटी थी, रोज पूजा करने के लिए वहां आया करती थी, और बाज बहादुर ने भी वहीं पे देखा था उसे। देखा नहीं बल्कि सुना था, और उसकी आवाज पर मोहित हो गया था। बाज बहादुर खुद भी बहुत अच्छा गाया करता था। कहते हैं राजा निहाल ने उसे गाने के मुकाबले के लिए मांडू भेजा था। लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है? दोनों में प्यार हो गया था और वो भाग आई थी बाज बहादुर के साथ। आपको कैसे मालूम सच कौन सा है? मैंने पढ़ा है। हिस्ट्री में? नहीं, एक रिसर्च वर्क में पढ़ा है। कल जो पढ़ रही थी ना मैं, और पन्ने उड़ गए थे। हाँ हाँ, किसने लिखा है वो? चंदन आर्य। कौन है वो? आपके दादूजी भी नाम ले रहे थे। वो अब नहीं है, प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। बहुत रिसर्च के बाद ये किताब लिखी थी, लेकिन पब्लिश नहीं करवा सके। वो जो हाउस नजर आता है ना, वहां नर्मदा का पानी है। रूपमती को रोज पूजा के लिए नर्मदा तक जाना पड़ता था। कहते हैं बास बहादुर ने एक दिन ख्वाब में देखा कि उसके नीचे नर्मदा बह रही है। जैसे आंख खुली उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। अपने हाथों से उसने रूपमती के लिए हौज खोदा है। ये तो कहते हैं, सच क्या है? चंदन आर्य क्या लिखते हैं? खुद नहीं खोदा, मजदूरों से खुदवाया था। बादशाह था ना, इसलिए यूं ही रूपमती को इंप्रेस करने के लिए दो चार फावड़े चलाए होंगे। ये भी किताब में लिखा है। आप किताब क्यों नहीं छुपा देते? इसीलिए तो आई हूँ यहाँ की तस्वीरें लेने। आप चलोगे नहीं? तुम लोग थके नहीं क्या? थक तो गए हैं दादाजी। क्यों भैया नालाल? हाँ दादाजी को चाय वाय पिलाएगी? नहीं पिलाई। हमें नहीं पिलाओगे? पिलाऊंगा। पियेंगे ना? दो दो। चलिए वहां बैठते हैं। साहब चाय पियेंगे? ला। लीजिए।
चाय पीजिए। आप पीजिए ना। आप लीजिए ना, मैं लेता हूँ। अन्नालाल एक ग्लास लेकर आ रहे। साहब एक फोटो खींच देंगे मेम साहब के साथ? नहीं, बाद में आपके साथ भी खिंचवा लूंगा। पहले मेम साहब से जाकर पूछो। मैं क्या? अन्नालाल आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। क्यों? नहीं मेम साहब, टूरिस्ट लोगों को दिखाऊंगा खंडर। चल आ जा। बुलाया। आया। मुस्कुराओ अन्नालाल। अन्नालाल रिलैक्स, भूत हो गए साहब, जल्दी करो ना। हो गया, गिलास लेके आता हूँ। आप वहीं रहिए, आपके एक फोटो लेता हूँ। आप यहाँ आइए, मैं लेती हूँ। चलिए। मुस्कुराइए, रिलैक्स। देखिए आप मुझे कोशिश कर रही हैं। चलिए कोई अच्छा सा पोज बनाइए। चलिए आप एक्शन में फोटो लीजिए। अरे अरे, ये चाय जूठी थी, मैंने पी थी। अच्छा अब क्या होगा, अब तो फोटो भी झूठी आएगी। मेरा क्या है, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जी हाँ, अछूत की छूत चाय जो पी ली, आप अपना धर्म क्यों भ्रष्ट कर रही हैं? मैं भी अछूत हूँ। प्लीज जरा आस्ते चले ना, मुझे घबराहट सी होती है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी अगेन, लेकिन क्या करूं, मोड़ ही ऐसा था। घबराइए मत, इतना बुरा ड्राइवर नहीं हूं मैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है, वैसे इन टायरों की आवाज से डर लगता है। क्यों? ऐसे घटना हुई है ना मेरे साथ, इसलिए। क्या हुआ था? चंदन जी मोटर एक्सीडेंट में गुजर गए थे। चंदन जी कौन थे आपके? हमारी शादी होने वाली थी, शादी से 5 रोज पहले मेरा प्रोग्राम था बॉम्बे में विद्या हॉल में, और प्रोग्राम में आते आते रास्ते में ही। कब की बात है ये? करीब 6 महीने हुए। कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट? जीडी रोड पर शाम के 6 बजे। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए ध्यान चूक गया था। चंदन जी खुद ही चला रहे थे गाड़ी? हाँ, चंदन जी उसी दिन कार लेकर आए थे, उसी दिन खरीदी थी उन्होंने। मैं कमरे से निकली ही थी कि कार की आवाज सुनकर रुक गए। टेक्कू, ओ टेक्कू के बच्चे। सुबह से कई बार फोन कर चुकी हूँ घर पे, तुम थे नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। गुरुजी भी 2 बार आकर चले गए, मुझे रिहर्सल पर जाना था, और तुम तो कोई जिम्मेदारी समझते नहीं, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह। ये चाबी क्या बार बार फेंकते हो? ये मेरी गाड़ी की चाबी है। गाड़ी ले ले, बाहर कहाँ है? बाहर खड़ी है, देखो जाकर। ब्यूटीफुल, सच्ची बहुत खूबसूरत है। ए, क्या कर रहे हो, बैटरी डाउन करनी है? अरे वाह, इतना सा हॉर्न बजाने में बैटरी डाउन हो जाएगी, मैं तो बजाऊंगी। क्या कर रही हो? आज तक प्रोग्राम में लिए इसी में जाऊंगी। क्यों, बाप की गाड़ी है? हाँ, पिताजी की। क्या मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ? बात तो ऐसे करते हो, बोलो आज प्रोग्राम में ले चलोगे कि नहीं।
आज नहीं, दो चार दिन ठहर जाओ, शादी हो जाए फिर तो प्रोग्राम पर हम ही लेकर जाएंगे। आज क्यों नहीं? आज मुझे दो चार जरूरी काम है, लेकिन मैं ठीक 6 बजे विद्या हॉल पहुँच जाऊँगा। मालूम है आज आरती का आखिरी प्रोग्राम है। क्यों आखिरी क्यों? इसके बाद तो मिसेस चंदन आर्या डांस किया करेगी। मैं समझा था तुम डांस छोड़ रही हो। तुम कहो तो छोड़ दूं। फिर डांस छोड़ने के लिए क्यों कहूँ, प्राण छोड़ने के लिए क्यों ना कहूँ? मेरी मौत की बात तो बड़ी आसानी से कर लेते हो तुम। इसमें मुश्किल भी क्या है, आसान काम है, आसानी से हो सकता है। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा मेरे मरने का? भाई दुख किस बात का, मर गए सो मर गए। तुम तो चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं तो कोई दूसरे ढूंढ लो। नहीं तो क्या सारी उम्र कंवारा बैठा रहूंगा, कोई ना कोई तो ढूंढनी पड़ेगी। जा जा कोई दूसरी ढूंढ लेना, और आज प्रोग्राम पर भी मत आओ। कितनी तेज चलाते हैं। और उस दिन वो मेरा डांस शुरू होने तक नहीं मिल जाए, फिर अचानक मुझे विंग से किसी की आवाज सुनाई दी। माजी माजी चंदन जी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया, उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मैं वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी, वैसे ही डांस खत्म करके हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचते ही मालूम हुआ कि वो वहीं स्पॉट पर। बाबूजी वहीं गेस्ट हाउस से क्यों नहीं फोन कर लिया आपने? ऐसे वहाँ बहुत सारे लोग हैं। और कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे तो हो गए इंतजार करते हुए। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन। हेलो हेलो जी बॉम्बे जी, आप पार्टी है, बाबूजी आपको फोन। हेलो, हाँ अंकल मैं इंदर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, तुम सुनाओ कैसा लगा मांडू? बहुत अच्छा, क्या जी यहाँ चलाया? क्यों कोई रूपमति मिली है क्या? तो फिर वापस अकेले आ रहे हो या दोनों? सर्टनली नॉट 3 ऑफ यू हैं। अच्छा अंकल एक बात बताइए, जिस कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसमें कौन था? क्यों क्या कोई मर गया था उस एक्सीडेंट में? चुप क्यों बोलते क्यों नहीं? अरे भाई हुआ क्या, तुम्हें एक्सीडेंट की फिक्र क्यों लगी है? यूं ही पूछ रहा था, कोई जिक्र कर रहा था इसलिए। हाँ चोट तो बहुत आई थी। देखिए अंकल आप झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए, वो वहीं स्पॉट पर मर गया था ना? हाँ लेकिन गलती उसी की थी। मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे उसमें बताने जैसी बात कौन सी थी? क्यों नहीं? देखो भाई हुआ क्या है, कौन है जिसने तुमसे पूछा है? किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गया तू? नहीं तो मैं आता हूँ कल ही। नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अरे कहाँ चले गए थे आप? दादू जी खाने पर आपका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कि मैं? बैठिए ना, कॉफी पियेंगे? जी कुछ परेशान लग रहे हैं। जी नहीं परेशान नहीं हूँ मैं। थके हुए हैं? नहीं बात यह है कि कुछ सोच रहे हैं। क्या हुआ? एक बार चंदन जी के घर गई हुई थी, चंदन जी तो जानते हैं आप, वो ऐसे ही बैठे थे, कुछ खोए खोए से लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? नहीं तो सोच रहे हो?
थके हुए हो? सो रहे हो? ख्वाब देख रहा हूँ। क्या ख्वाब देख रहे हो? एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। तूने साड़ी में उड़स ली है मेरी चाबियां घर की और चले आए हो बस यूं ही मेरा हाथ पकड़कर। ये कविता है? और नहीं तो क्या है? लगता है चिट्ठी पढ़ रहे हो। चिट्ठी और कविता में क्या फर्क होता है? चिट्ठी चिट्ठी होती है, कविता कविता होती है। चिट्ठी तो पढ़ सकते हैं और कविता? कविता पढ़ नहीं सकते? तुम तो खामखा बहस करते हो। हाँ देखो, कविता तो गा सकते हैं ना, और चिट्ठी तो नहीं गा सकते हैं। अगर यही चिट्ठी मैं गाकर सुना दूं तो? एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, तूने साड़ी में उड़स ली है मेरी चाबियां घर की, और चली आई है बस यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर। एक ही ख्वाब कई बार देखा मेज पर फूल सजाते हुए देखा है कई बार, मेज पर फूल सजाते हुए देखा है कई बार, और बिस्तर से कई जगाया है तुझको चलते फिरते तेरे कदमों की वो आहट भी सुनी है। एक ही ख्वाब कई देखा है मैंने। क्यों, चिट्ठी है या कविता? अभी तक तो कविता है। पानी मेरे चेहरे
देती है तो टिकू की बच्ची देख ही हाँ कई बार देखा कभी खेल में मुझसे ताश के पत्तों पे लड़ती है कभी कभी खेल में मुझसे और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए विल यू शट अप ला 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 और जानती हो टिकू जब तुम्हारा ये ख्वाब देखा था अपने बिस्तर पे मैं उस वक्त पड़ा जाग रहा था What a beautiful poem. कितनी जिंदा लगती है। अरे भाई तुम लोगों को सोना वाना नहीं है क्या बैठो बैठो बहुत रात हो गई डर भर नहीं लगता डर किस बात का लो अरे भाई खंडर है इतना अंधेरा है कोई भूत भूत दादू जी आप इतने बड़े होकर भूत से डरते हैं अरे भाई भूत तो भूत ही है इसमें बड़े छोटे क्या सवाल है क्यों अंदर गुड नाइट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे ये गुलछड़ी कहाँ से मिल गई इन खंडरों में वैसे ही मिल गई जैसे उस दिन आपकी परहंदिया मिल गई बैठे दादू जी कहाँ हैं बाहर घोष बाबू के पास बैठे हैं ये चंदन जी की तस्वीर है ना हाँ यूं ही पिछली तस्वीरें देख रही थी अरे ये तो यहीं की तस्वीर लगती है मांडू की हाँ यहीं पे ली थी अशरफी महल में आपको मालूम है अशरफी महल का किस्सा क्या एक दफा नूरजहां आई थी जहांगीर के साथ प्रेग्नेंट थी सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी जहांगीर ने कहा हर सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक अशरफी दूंगा और आजाद थी सोना देखा लालच में आ गई चढ़ गई इसमें क्या है मैं तो यहीं चढ़ जाऊंगी मैं सौर कर दूंगा ठीक है जब प्रेग्नेंट होंगी तब चढ़ूंगी तब तो अशरफी दूंगा अभी रिहर्सल के लिए 100 रुपया Come on. Ha 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 ha
टिक्कू ये तस्वीर मुझे यहाँ लगाने दो, उसे बाद में लगाएंगे। मैंने कहा ना यहाँ पर अच्छी लगेगी, देखो। यहाँ अच्छी नहीं लग। ठीक है, जो मर्जी आए करो। टिक्कू तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगी हो। सुनो तो टिक्कू। ये वही फोटो है। हाँ। ये कौन है? चंदन। पता नहीं किसने लाकर बिठा दिया एसएमटी पीस पे। अरे ये फाइल कहाँ ले गए थे आप? अरे दिखाने ले गया था उस बूढ़े खोज को। 15 साल गुजार दिए उसने यहाँ, लेकिन उसे हिस्ट्री नहीं मालूम और अपने आप को बड़ी भारी ऑथोरिटी समझता है मांडू पर। मैंने उसे कह दिया है जब ये किताब छप जाएगी ना तो उसे एक कॉपी भेज दूंगा, और साथ साथ ये भी कह दिया है अच्छी तरह याद कर ले, आकर उससे पूछूंगा। आपने तो यहाँ भी हेडमास्टर शुरू कर दी। कब तक छप जाएगी ये किताब? कोशिश तो कर रही हूँ, उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर आ जाए। एक पब्लिशर से बात भी हुई थी, मिस्टर गिडवानी, लेकिन वो बहुत पैसे मांग रहे हैं और इतने पैसे मेरे पास नहीं है। हद करती हैं आप भी, पैसे तो उल्टा पब्लिशर देगा आपको। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, टुमारो पब्लिकेशंस वाले मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये मसौदा मुझे दीजिए, मैं फर्स्ट क्लास आर्ट पेपर पर छिपा दूंगा। ठीक ही तो है, तुम क्या भटकती रहोगी इसके लिए, और फिर ये भी बंबई में है और तुम भी बंबई में हो, जरूरत पड़े तो मुझे भोपाल से बुला लेना, दे दो इन्हें। आप क्यों खाम खा बोझ लेंगे? बोझ कुछ उतर जाएगा आरती जी। बात दरअसल यह है कि मैं अपने आप को बहुत इन्वॉल्व महसूस करता हूँ चंदन जी के लिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ लूँ इसे। आप घबराइए मत, मैं इसे बड़े एहतियात से रखूंगा जैसे आप रखती हैं। सांवले सावन आए ना आए, इसमें तो गीत भी लिखे हैं चंदन जी ने। उस वक्त के कुछ गीत हैं जो चंदन जी ने लिख दिए थे। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बत, ये तो वही गीत है जो आप उस दिन गा रही थी। आरती, पार्वती का फोन मिल गया, जल्दी आ। माँ जी का फोन आया, मैं अभी आती हूँ। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। मुझे तो याद हो गया, आपको याद है? सुनाइए ना, सुनाइए ना। No!
जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गलिया रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सामने आ जाते हैं तो फिर क्यों क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए। काश मैं अपना किया वापस ले सकता, न मैं ज्यादा आपका डांस प्रोग्राम देखने और न ये एक्सीडेंट होता चंदन के साथ। चंदन का एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ, मेरे यहाँ तो वो पाप हुआ। मैं आपका प्रोग्राम देखने जा रहा था कि हो गई। जिस वक्त से मुझे पता चला अपने आप को इतना दोषी महसूस कर रहा हूं कि मैं दीजिए। आरती जी सुनिए, मुझसे गलती हुई, ये पाप हुआ, लेकिन मैं मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं समझी आप ये किताब क्यों छपाना चाहते थे, अपने आप पर इतना बोझ क्यों लेना चाहते थे। आप मुझे गलत समझ रही हैं। छोड़िए ना, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। Thank you.
माफी बेटा। दादी जी मैं सच कहता, मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। बस एक बार दादू जी उनसे कही, एक बार मैं माफी मांगना चाहता हूं, मेरा कोई दोष नहीं। और मैं समझती क्यों नहीं इंद्रजीत, एक बार मिलने की कोशिश कर चुके हो ना, देखा था कैसे हाथ पांव मारने लगी थी, कैसे चलाने लगी थी तुम पर, क्या फायदा होगा। लेकिन दादू जी मैं सच कह रहा हूं, मेरा कोई दोष नहीं, न जाने क्यों वो मुझे शराब समझने लगी। उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, इस हालत में ऐसी बातें निकली जाती है हमसे। तुम जाओ, जाकर आराम करो, सुबह आकर मिल लेना। जाओ बेटे। रेस्ट हाउस के रजिस्टर में दादू का एड्रेस मिला भोपाल का। भोपाल गया, वहां कोई नहीं था। भोपाल के तमाम हॉस्पिटल देखे, सारे नर्सिंग होम्स डूबे, कहीं कोई पता नहीं चला। एक बात बता, उस लड़की से प्यार हो गया है तुझे? अरे बोल ना, प्यार करने लगा है आरती से? नहीं अंकल, वो लड़की ठीक ही कहती है, मैं उसके लिए वाकई बहुत मनुष्य। तुम टॉक लेकिन इडियट है, अगर प्यार करता है उसे तो बोल, मैं उसे ला दूंगा, चाहे किसी ताल पाताल से ढूंढ के क्यों ना लाना पड़े। लेकिन अगर सिर्फ रहम आ रहा है उस लड़की पर तो भूल जाओ, जितनी गलती कर चुके हो वो काफी, आगे बढ़ोगे तो और भूल करोगे। लेकिन अंकल क्या मैं दोषी नहीं हूँ उसकी जिंदगी उजाड़ने के लिए? जानबूझ कर ना सही, अनजाने में सही, दोष तो है मेरा। फिर वही विधवा औरतों की तरह बातें करता है। An accident is an accident. जैसे एक्सीडेंट में चंदन मर गया था उसमें तुम भी मर सकते थे। अगर ये दलीली काफी थी तो मुझसे छुपाए क्यों था? तुम्हें तुम्हारे नाबालिग जहन और कमजोर जज्बा के दिल से बचाने के। लेकिन बचाने से शायद बता दिया होता तो अच्छा। देवल से भी एड्रेस नहीं मिला आरती देवी का। हॉस्पिटल? I tried all the hospitals. इस नाम का कोई केस नहीं आया। नारायण is trying all the private nursing homes. दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी को टेलीफोन करो। Yes sir. उनके पास उसका पता होगा। Yes sir. Hello. आइए आइए राजाराम जी आइए। इंद्र कहाँ है? ऑफिस नहीं आया? नहीं, उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। क्या हुआ? लड़का जरा बालिग हो रहा है, मतलब मैच्योर। सर, डॉक्टर कुन्नू नर्सिंग होम में एक केस आया इस नाम का, लेकिन आंखों के ऑपरेशन के लिए।
हेमरेज? यस सर। अच्छा जरा पांडे को बोलो गाड़ी निकाले। यस सर। अब देखो इंदर का टेलीफोन आया तो उसे खबर मत करना। ओके सर। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले ही नहीं हो सभी अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। शराब बड़ा मंगा के रखो यार, कैसे देवदास हो तुम? लड़की तो खूबसूरत है यार, इससे तो तुम इश्क में पड़ जाते तो अच्छा होता। तुम तो धोबी के लग रहे हो, नहीं इधर के नहीं उधर के। अंकल कुछ पता तो नहीं लगा होगा? अब तो पता करना ही होगा यार, तेरे लिए नहीं तो अपने लिए। क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का, न बोलता है न बताता है कुछ, कहां तो दिन रात धाम धूम होता था घर में, और अब तो नीचे भी नहीं जाता बेचारा। चाची इश्क में पड़ गया है बेटा तुम्हारा। क्या? हाँ। इश्क तो करा दो ना इसकी शादी, नहीं तो क्या इसे भी। हाँ हाँ कह दो ना चाची, नहीं तो क्या इसे भी अपनी तरह कमारा रखोगे। क्यों क्या इरादा है, बात चलाऊं आरती सन्याल से? शुगर दो चम्मच। अंकल आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तुम फिर मिलना चाहते हो उसे? बोलो, अगर मिलना चाहते हो तो मैं मिला देता हूं, लेकिन एक कहता हूं,
वो हरगिज नहीं मिलना चाहती तुमसे, तुम्हारे नाम से भी चिढ़ती है। वो है कहाँ? बंबई में। कैसी है? ठीक है। देखो इंदर, उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि चंदन की बात मैंने छुपाई है, और शायद छुपा कर ही गलती की मैंने, लेकिन क्या पता ना छुपाता तो भी यही हो जाता। और अब इसलिए कुछ नहीं छुपाना चाहता हूं कि कल जो होने वाला है वो आज ही हो जाए तो अच्छा है। तुम्हें छोटे बच्चों की तरह हाथ थाम के नहीं चलाना चाहता इंदर, लेकिन अगर बच्चों की तरह तुम आग में हाथ डालो तो बचाना मेरा फर्ज है। आरती कुन्नू नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम में? हाँ। आप तो कह रहे थे कि वो ठीक है। हाँ, तुमसे बेहतर है इसलिए कहा था। उसकी चोट तो जिस्मानी है इंदर, तुम्हारी जहनी है, दिमागी है। उसका इलाज हो सकता है, तुम्हारा मुश्किल है। क्या हुआ है उसे? रेटिनल हेमरेज, आंखों में ब्लड क्लॉट हुआ था, ऑपरेशन हुआ। देखो इंदर, मैं तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूं, उम्र में नहीं तजुर्बे में, इसलिए कहने का हक रखता हूं। अगर प्यार करते हो उस लड़की से तो बेशक जान पे खेल जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर खुद को दोषी महसूस कर रहे हो या रहम आता है उस लड़की पे, तो खुदा के लिए इस रास्ते से हट जाओ। ना खुद जी सकोगे ना उसे जीने दोगे। अगर जाओ उसे मिलने तो इसलिए मत जाना कि वो अंधी है, और अगर प्यार करते हो तो इसलिए रुकना भी नहीं कि वो अंधी है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन डॉक्टर चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च हो जाए, मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर उसकी आंखें वापस ला दो डॉक्टर, वरना जिंदगी भर इस गेट से बाहर नहीं आ सकूंगा। लेकिन इसमें आपका क्या कसूर है मिस्टर इंद्रजीत? आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। हाँ डॉक्टर, जानबूझकर कुछ नहीं किया, मगर क्या करूं, दिल नहीं मानता। एक दोष छोड़ा नहीं गया था और उससे बड़ा पाप लेकर वापस आ गया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिसेस सानियल, आरती की माता जी। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे ख्याल नहीं आया कि आप, लेकिन अच्छा हुआ आपने सब कुछ सुन लिया। अब आप ही बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, मैंने कुछ जानबूझकर थोड़े किया। तो भी कौन दोष देता है बेटा, जो होना था वो मुझे आरती के दादू ने सब बता दिया। लेकिन आरती तो माँ। हाँ बेटे, मैं यहाँ हूँ। मिसेस सानिया, दवा का ख्याल रखिएगा और आराम बहुत जरूरी है। चल फिर तो सकती हूँ डॉक्टर? हाँ हाँ, पर जब तक पट्टी नहीं खुलती सिर्फ घर में चल फिर सकती हो। बाहर अब क्या देखने जाऊंगी मांडू? चलो माँ। चलिए मैं घर छोड़ दूँ। कौन है ये माँ? ये वही है इंदर? बोलते क्यों नहीं माँ? चुप क्यों हो गए सर? बताओ ना माँ। क्या हुआ आरती? ये मेरे दोस्त हैं, मिस्टर प्रकाश। ओह, आई एम सॉरी डॉक्टर,
सॉरी मिस्टर प्रकाश, आवाज से मैं गलती खा गई। चलो बेटी घर चल। अमेरिका ले जाके भी यही होगा बेटा जो यहाँ हुआ है। मैंने पूछा था डॉक्टर से। डॉक्टर साहब आए थे, पट्टी बदली है? हाँ पट्टी बदल के गए। कब खुलेगी? और 10 दिन लगेंगे, 23 तारीख को खुलेगी। आरती आरती अकेली कैसे चली आई बेटी? बस सीढ़ियां सुनते सुनते आ गई। चल जरा संभल के। हाँ ये फूल कौन लाया माँ? मैं ही लाई थी बेटी। तुझे बहुत पसंद है ना ये फूल? अब मत लाया करो ये फूल, फिर कभी मत लाना। कौन गया यहाँ से? कोई था ना? माली था बेटी, चला गया। उसे कहो फिर कभी बूट पहनकर अंदर नहीं आया करें। कहाँ है डॉक्टर? यही हूँ बेटी। इधर आओ ना माँ, मेरे पास आओ, हाथ दो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है माँ। Sorry, Inder. I couldn't help her. I failed. Ma, roti kyun ho ma?
घबराओ नहीं। तो क्या हुआ? तुम जो हो, तेरी आंखें भी तो मेरी है ना माँ। किस्मत में यही लिखा था, तो हम क्या कर सकते हैं? लाऊं बेटा? नहीं चाची, ये खेल मैं नहीं खेल सकती हूं। चल मैं तेरे साथ खेलती हूं। चाची तुम्हें कहां आता खेलना? तू सिखा देना। लेकिन चाची क्या हुआ तुम्हें? मैं खेलूंगी ना तेरे साथ। बेटा तू अकेले गुमसुम लगा रहता है, अच्छा नहीं लगता। इस तरह तुझे देखा नहीं जाता बेटा मुझसे। चाची तू कहीं जाता नहीं, तुझसे मिलने कोई आता नहीं। तेरी माँ होती बेटा तो तुझे बहला लेती ना। मैं तेरी माँ तो हूं नहीं, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती बेटा। चाची इसने कहा तुम माँ नहीं हो मेरी, हम माँ की जगह नहीं देखते तू। मैं क्या करूं बेटा, कैसे तेरे मुंह पर हंसी देखूं? मुझसे सहा नहीं जाता। वो तेरे अंकल है ना, वो तो इंदर, जब मैं पांचवीं क्लास में था तब मैंने पढ़ा था। तुमने नहीं पढ़ा स्कूल में? सॉरो शेयर इज सॉरो हाफ एंड जॉय शेयर इज जॉय डबल। हो जाए गेम? हो जाए। कम ऑन, चाय नहीं पिलवाओगे? चाची चाची चाय, चाची चाय पिलाओ, अंकल भी पिएंगे। अभी लाई बेटा। Oh,
क्यों बैठी है? बत्ती नहीं जलाई? रात हो गई माँ। हाँ सब एक ही सा लगता है। चल नीचे बैठे चल के, कम से कम जगह तो बड़ी है, इतनी सी जगह में तेरा दम नहीं घुटता। वो भी कहाँ पता चलता है। चल चलो माँ। हाँ चल के बैठते हैं तुम्हारे पास। चल जी से मिलने आया था। माँ तो नहीं है, घर पे कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छा माँ से क्या कहूँ, कौन आए थे? मैं प्रकाश। ओह उस दिन डॉक्टर साहब के यहाँ मिले थे, वही ना? जी हाँ वो। आइए ना माँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आइए। चलिए। उस दिन आप बुरा मान गए थे ना मेरी बात का? नहीं तो? और क्या, इसलिए तो आप बाहर से चले जा रहे थे। आइए बैठिए, सोफा है ना वहां? जी। आप तो देख ही सकते हैं, घर में कोई भी नहीं है, आपको दरवाजा खोलना पड़ा आके। अच्छा हुआ ना, नहीं तो आप वैसे के वैसे नाराज चले जाते हैं। माँ कहाँ गई है? मंदिर। भगवान से मेरी आंखें मांग ले, प्रार्थना से आंखें मिलती तो सभी अंधे आंखों वाले हो जाते हैं। हो सकता है भगवान उन्हीं की सुन ले। वो सुना है ना आपने, वर्जिन मेरे का गिरजा जहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, कहते हैं नौ बुधवार जाकर कैंडल जलाओ तो इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा होता है? सुना तो यही है, लेकिन आप मानते हैं? नॉट एग्जैक्टली। आपका फेथ है? मेरा तो अब ब्लाइंड फेथ है। माँ। बेटी। जी मैं प्रकाश हूँ, उस दिन डॉक्टर साहब से मिला था ना? हाँ हाँ जानती हूँ, बैठो बैठो, ये लो ये प्रसाद ले लो बेटी। ये ले ये प्रसाद ले। माँ एक गिरजा है, वहाँ जो भी मांगो वही मिलता है। कहते हैं नौ बुधवार जाना पड़ता है मोमबत्ती जलाने। नौ क्या, 900 बार हो ना तो भी मैं जाऊं, तेरी आंखें मिल जाए, दुनिया मिल जाए मेरी। माँ भगवान कोई डॉक्टर थोड़ा ही है। प्रकाश जी डॉक्टर आने वाले थे ना, आएंगे आज? आज पता नहीं, मिले नहीं मुझे डिस्पेंसरी में। मैं दवा डालूं? नहीं तो डॉक्टर साहब आएंगे तो डांट पड़ेगी। तू बैठ मैं ले आती। नहीं माँ मैं चले जाऊंगी। तू कैसे जाएगी? जैसे आई थी। अच्छा प्रकाश जी तो फिर चलना है गिरजे में? हाँ इस बुधवार को चलूंगी। बुधवार तो कल ही है, आ जाओ लेने। हाँ माँ चले जाओ। हाँ
हाँ बेटी चली जा। अच्छा माँ। पहचाना नहीं तुम्हें? नहीं, इसीलिए तो हंसकर बात कर रही थी। कितने युगों के बाद आरती को आज हंसते देखा। तुम आए तो वो? मैं वो स्क्रिप्ट लेने आया था, वो फाइल जो चंदन जी ने लिखी है। किताब छपवा दूंगा तो आरती को बहुत खुशी होगी। नहीं बेटे, वो फाइल तो वो हमेशा अपने पास ही रखती है, किसी को छूने तक नहीं देती। हाँ बेटी, क्या बात है? वो जो फाइल रखी थी ना मेज पर, कहाँ गई? वो खुद तूने ही तो उठाकर अलमारी में रखी थी, वही होगी। हाँ याद आया। प्रकाश जी, आपने जलाली मोमबत्ती? हाँ। क्या मांगा आपने? मन्नत बताए नहीं करते जब तक पूरी नहीं हो जाए। पूरी हो जाए तो बता देंगे आप? हाँ, आपको फिर लेकर आऊंगी। हाँ, दूसरी मन्नत मांगने? नहीं नहीं, मन्नत चुकाने आना चाहिए ना, मन्नत जब पूरी हो जाए तो। ऑफ कोर्स, संभल कर, सीढ़ी है यहाँ। हाँ। मेरे लिए रुके तो सही। डोंट वरी, आई कैन गो ऑफ माय ओन। चलो देखते हैं। गुड, स्मार्ट, कमाल है। माँ, हो आएगी जिसे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। शुक्र है, जरा बाहर तो गई, रौनक आ गई मुंह पर। खामखा घर में बंद होकर बैठी है। कल माजी आप भी चलेगा, पिक्चर देखने जाएंगे। अच्छा। क्या हुआ? मुझे पिक्चर दिखाने ले जाएंगे आंधी को। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, घूमने जाएंगे। मैं चलता हूँ माजी। अरे अभी कहाँ जा रहे हैं, चाय पी के जाइए ना, छह तो बज गए। हाँ हाँ हाँ, छह। आपको कैसे मालूम छह बजे? एक और घड़ी भी तो है जो पेट में चलती रहती है। चलो फिर चाय पी के चलते हैं। It's a 3 days program and we want that you give a performance every day. वो ना छोड़ चुकी है, अब नहीं करती। ये बहुत बड़ा cultural function है और इसमें बड़ी बड़ी dignitaries आएंगी। लेकिन वो अब नाच नहीं कर सकती, मैंने कहा ना आपसे। लेकिन करना चाहिए माँ जी, और फिर जो लोग कर रहे हैं अच्छे खासे पैसे देंगे। हाँ वो तो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, मैं आरती को बुलाती हूँ। अच्छा। क्या है शर्मा जी, पैसों की बात नहीं है, लेकिन वो अब नाच नहीं करती। 10,000 रुपए कम नहीं होते माँ जी, एक बार फिर सोच लीजिए। माँ, प्रकाश जी आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ, माँ जी बुलाने ही जा रही थी। ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन है, अब तो अकेले भी घूमने जा सकती हो। माँ मैं जाऊँ? हाँ बेटी जाओ। अच्छा अच्छा, लेकिन ये आरती क्या हुआ, क्या हुआ? इसीलिए तो कह रही थी कि वो अब नाच नहीं सकती। लेकिन आपने पहले तो कभी बताया नहीं। तुमने नाचना क्यों छोड़ दिया? यूं ही छोड़ दिया। कोई वजह तो होगी। नाचने की कोई वजह थी क्या? वैसे छोड़ने की भी कोई वजह नहीं। अरे बिल्कुल तैयार बैठी हो। और क्या, कब से इंतजार कर रही हूँ, चलें? एक मिनट, आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। क्या? बताता हूँ, देखना मत। अच्छी बात है, मैंने तो आंखें बंद कर ली।
मैंने देख लिया, पायल है ना? लाओ पहनो। नहीं प्रकाश, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? ये रहने दो ना। कोई खास वजह? चंदन को अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है चलो। बड़ी देर हुई। मैंने तो आपके पैरों की आवाज सुनी नहीं। आज अपने पैरों की आवाज सुन रही थी ना, देखा कितनी सुरीली है। मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा। लेकिन हुआ तो सही। जी हाँ, पहले आंखें गई, आज नाक चिपटी हो जाती अगर आप नहीं आते थे। कैसे नहीं आता, मैंने कहा था ना बस हाथ बढ़ाने की देर और मैं हूँ। अरे ये क्या करिए तुम, बांधो इसे। नहीं नहीं। कैसे नहीं नहीं? नहीं प्रकाश। प्रकाश प्रकाश कुछ नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं? मुझसे नहीं होगा। मैं कहती हूँ कैसे नहीं होगा। खड़ी हो जाओ, चलो खड़ी हो। Come on, start now. प्रकाश मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलो शुरू हो जाओ। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना तक दिक तक तक दगी ना धाते कर देते ते कर तक दगी ना धाते ते ताते ते धाते ते ताते ते। ये आपने कहाँ से सीखा? तुम्हारे लिए क्या कुछ सीखना पड़ा देखो, इसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं था। बस शुरू हो जाओ।
पग पग नाच रे नहीं कर सकती वो नाम। अरे पास ही रही ना, कहीं गहरे पानी में चली गई तो? घबराइए मत, कहीं भी चले जाइए, मैं पास ही हूँ तुम्हारे।
जब मर्जी हो हाथ बढ़ाकर पकड़ लीजिए। क्या हुआ? कैसे गुदगुदी कर गई पैरों में। ये लहरों की झाक पता है कैसे लगती तुम्हारे पैरों में? हाँ कैसे? घुंघरू जैसे। ऐसा लगता है जैसे चांदी की घुंघरू पहन रखी हो। आओ इंदर, इंदर बैठना। यहाँ जगह पे मुगरे का गजरा मिलता है, प्लीज गेट मी वन। तुम बैठो, मैं भी ला देता हूँ। जरूरत क्या थी? आप अच्छी तरह जानते हो उसे इंदर नाम से नफरत है। अरे कभी ना कभी तो कहना ही होगा, आज ही कह दिया तो क्या है उसे? जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बता दूंगा। जल्दी क्या है भाई? तुम कह रहे हो जल्दी क्या है, मैं कह रहा हूँ पहले ही देर हो चुकी है। देखो मैं कहता हूँ कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो अंकल कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो इंदर, अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं जाके बताऊंगा। बता दोगे? बताकर दिखाइए। बताओ। हाँ कोई जरूरत नहीं। ये लो प्रकाश, एक पाप आया था मन में। क्या? अभी अभी तुम गजरा लाने गए थे ना, तो किसी ने इंदर कह के बुलाया। मैं समझी कहीं तुम इंदर तो नहीं। तुम्हें कैसे मालूम मैं इंदर नहीं हूँ? मैंने गाड़ी का नंबर देखा टटोल के, उस गाड़ी का नंबर था 7638 और तुम्हारा है 3201। पाला को दे दीजिए। जिधर जिधर ऐसे कर, ये टैक्सी वाले को पैसे दे दीजिए और सामान उतार ले। सच्ची? आरती? अरे दादू जी, कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ दादू जी। एट लास्ट आपने नए गैलेस ले ही लिए। तू तो आंखें खोकर कुछ ज्यादा ही देखने लगी। चला दादू जी, इनसे मिला दूं मैं? मैं नहीं जानता हूँ बेटी। जानते हैं? बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? प्रकाश, यही नाम है ना आपका? जी 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 हाँ। लेकिन आप कैसे जानते हैं? पार्वती ने चिट्ठी लिखी थी, तेरी माँ ने। बैठो ना। नहीं दादू जी, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। चलता हूँ। अच्छा प्रकाश, स्कूल की छुट्टियां थी और सुना कि तू फिर से डांस शुरू कर रही है, इसलिए अपनी बेटी से मिलने चला है। मेरा तो हौसला ही नहीं था दादू जी, लेकिन प्रकाश ने सचमुच हिम्मत दिला दी। और फिर एक और वजह भी है, इसलिए वो क्या? वो तो मैं प्रोग्राम के बाद ही बताऊंगी। वैसे प्रोग्राम कब है? 4 तारीख को। बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? आज जैसा डांस तुमने कभी नहीं किया होगा। माँ कहाँ है? यही है रिंग में। और दादू जी? सबसे आगे बैठे हूँ मैं प्रेस के साथ। मेरा दिल धड़क रहा है। वो तो धड़कना ही चाहिए, बंद होने वाली चीज थोड़ी है। प्रकाश मुझे लगता है वो भी होगा यहाँ। कौन? वो इंदर होगा तो क्या है, उसने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा। अगर वो यहाँ है तो तुम्हारा फैन ही होगा। क्या पता वो अपनी जगह पर अपना प्रायश्चित करा। प्रकाश
पर्दा उठ। मुझसे नहीं होगा। घबराने बेटी, कुछ नहीं होगा। माँ आरती, 7 कदम सीधे जाना, उसके बाद 3 कदम बाएं जाना। हाँ। स्टेज का सेंटर आ जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै Ah
सपनों में क्यों खो गए, बोलो ना कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है ta 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 ta
लेकिन इतने रुपए देने कैसे हैं तू बताती क्यों नहीं? बताए ना दादूजी, उधार था किसी का, चुकाना है, इसीलिए तो ये प्रोग्राम किया था। कहा ना आपसे कि मैं बाद में बताऊंगी। ओह, लेकिन वो है कौन ये तो बता। पहले चलिए, बाद में पता चल जाएगा। हद हो गई, मैं नहीं जानता, तेरी माँ नहीं जानता, और तू है कि इधर उधर टकाती फिरती आंधी कहीं। लगता है दादी जी आप बहुत खुश हैं मेरे आंधी होने पर। अरे आरती बेटा, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदगी से हैंडीकैप्ड हैं। हम तो सिर्फ फिजिकली ही हैंडीकैप्ड हैं ना। तेरी आंखें नहीं है, मेरे पैर नहीं, तू देख नहीं सकती, मैं नाच नहीं सकता। अरे कौन कहता आप नाच नहीं सकते हैं? मतलब जब आप चलते हैं ना तो लगता है कि आप भरतनाट्यम कर रहे हैं। आइए आरती जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। खूब हिम्मत की आपने तीन मंजिलें चढ़ने की। मेरा ख्याल है इतनी मेहनत करने के बाद यू डिजर्व ए हॉट कप ऑफ कॉफी। और वो जो पहली मंजिल से लौट गए हैं उन्हें तो गरम गरम दूध का ग्लास भेजना चाहिए। कॉफी ले आइए। कौन, माँ जी आई हैं आपके साथ? नहीं दादू जी, मेरे मामा, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। हाँ तो फरमाइए। मिस्टर गिडवानी, फिर उसी काम से आई हूँ, चंदन की किताब के लिए। ये लीजिए 10,000 रुपये, और ये उनका मसौदा। इस काम के लिए मुझे घर बुला लिया होता। आप आते तो मुझे कॉफी पिलानी पड़ती, अभी आप पिला रहे हैं। आरती जी, मेरा ख्याल है आपसे कोई गलती हुई है। क्यों, 10,000 ही तो कहे थे आपने। नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फाइल, इसमें तो खाली पन्ने लगे हुए हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं? फाइल तो वही है। नहीं आरती जी, वो फाइल कहीं बदल गई होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया। मैं जानती हूँ इंद्र। तुम क्या? हाँ इंद्र, चंदन की किताब लाई हो ना? आज 6 जनवरी है ना, चंदन की बरसी का दिन। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता था ये, और जिन्हें मालूम था वो एक अंधे के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। इंदर, आज पहली बार आंखों की कमी महसूस की है मैंने। एक ही खुशी जिसके लिए जी रही थी मैं, उसे भी छीन लिया तुमने। इंदर, मैंने क्या बुरा किया तुम्हारा, जो पता नहीं कहां से चले आए तुम, और हर बार कोई ना कोई हिस्सा काट के ले गए मेरी जिंदगी से।
पहले चंदन को छीना, फिर मेरी आंखें ले ली, और फिर सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी मेरी, उनकी बरसी पर उनकी किताब छपवा सकूं। वो भी नहीं करने दिया तुमने मुझे। आरती, मैं दोषी हूं, मैंने अपने दोष से इनकार तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तुमने अपने लिए किया, अपने दोष उतारने के लिए किया। शायद शायद यही सच है। इंदर, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुम चले जाओ। प्लीज प्लीज इंदर, इससे पहले कि और कोई हिस्सा काट कर ले जाओ तो मेरी जिंदगी से चले जाओ। प्लीज इंदर। आपकी ये रह गई, क्या कहते हैं, गुलछड़ी? गुलछड़ी नहीं, परांदी। ये गुलछड़ी कहाँ से मिल गई इन खंडरों में? वैसे मिल गई जैसे उस दिन आपकी परांदी मिल गई। आप अपने घरों को ब्रश करते हैं। आपको फिर लेकर आऊंगी हम। फिर दूसरी मन्नत मांग। नहीं नहीं, मन्नत चुका ले। मैंने देख लिया, पायल है ना? लॉकर। अरे आप कब आए? मैं पास ही हूँ, जब मर्जी हो हाथ बढ़ाकर पकड़ ले। मुझे लगता है वो भी यही होगा। उसने जानबूझकर तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, और क्या बता, वो अपनी जगह पर अपना प्रायश्चित कर रहा हूँ। बेटी क्या ढूंढ रही है? माँ, वो इंदर किताब देखे गया था। हाँ, छोड़ गया था। लाके दूँ? नहीं 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 माँ, मुझे नहीं चाहिए वो किताब। बेटी तुमने रख ली क्यों वो किताब? सुन, तुमने क्यों रख ली? आरती माँ, बेटी मुझे नहीं चाहिए वो किताब। मुझे नहीं चाहिए किताब, मुझे नहीं चाहिए। सुन, मैं साथ चलूं तेरे? अकेली कैसे जाएगी? नहीं दादू जी, मैं चले जाऊंगी। बहुत बार आई हूं ना, आप इसे पैसे दे दीजिए। अच्छा दे बे। Thank you.
इंद्र प्रकाश तुम हो मैं ही हूं आरती इंद्र कैसे आए मन्नत मांगने फिर से मांगने आया था तुम मैं मन्नत चुकाने आई थी मैंने कहा था ना मन्नत जब पूरी हो जाए तो एक कैंडल शुक्राने के भी जलानी चाहिए तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई हाँ हुई तो तुम्हारे कारण पूरी हुई चंदन की किताब मांगी थी ना तुमने हाँ मैंने सुन लिया है तुमने पायल पहन ली हाँ इंद्र उस दिन बहुत कुछ कह दिया था तुम्हें तुमने वही कहा जो तुम जानती थी जो मैं जानता हूं न कहा तुमसे न कहूंगा क्योंकि तुम समझ नहीं सकोगे बोल तुम्हारी नहीं मेरी ही थी मैं कुछ ऐसी बंधी हुई थी अपने अतीत से कि उसे छोड़ नहीं रही थी गुजरे हुए दिनों में ही लिपटी रहना चाहती थी उसे बाहर आते हुए डर लगता था जो देख नहीं सकती थी महसूस तो कर रही थी लेकिन मानते हुए डर लगता था तुमने बहुत कोशिश की मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आओ मगर अभी तुम्हारे भरोसे बाहर आई हूं इंद्र मैंने तुम्हारे साथ बहुत जाती की है मुझे माफ कर दो तुमने कहा था ना जब भी हाथ बढ़ाऊंगी तुम पास ही मिलोगी मैं मुझे इंद्र इंद्र आरती आरती ठहरो आरती रुक जाओ आरती